हाय हेल्प फ्रेंड दोस्तों, मैं आप फ्रेंड नेविल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों पहला टॉपिक देखिए, कोई धन दो वर्ष में इतने रुपए 572 रुपए होता है, तीन वर्ष में 598 रुपए हो जाता है ना। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, दो से तीन वर्ष मतलब एक वर्ष, और यहां से ये बना आठ में से दो गए तो छह बचे, नौ में से दो गए तो सात, नौ में सात गए तो दो बचे 26। एक वर्ष का ब्याज 26 रुपए आ गया, ठीक है। अब अपन दो वर्ष का निकालेंगे तो 26 इंटू दो बराबर 26 दूनी बराबर 52 रुपए। तो अब अपनों क्या निकालना, दो वर्ष का ब्याज 572 माइनस 52 घटा देंगे ना, 26 दूनी 52 दो, ठीक है। देखो तो दो में दो गया जीरो, सात में पांच गया तो दो 520 रुपए। तो मूलधन अपना कितना आया 520 रुपए। अब अपना क्या ज्ञात करना, दर, दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है अपना इंटू 100 बटा मूलधन 520 इंटू समय कितना दो वर्ष है, सीपर सीपर कट गई 52 से 52 कट गए, दो दो पांच दस, 5% दर कितनी आई उसकी, 5% आ गई दर, कितनी आई 5% दर आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चार वर्ष में कितने, कोई धन 4% दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, 4% दर कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कोई धन तिगुना होता है, यानी अपने पास एक रुपया है, एक से कितना हो रहा तीन गुना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा दो रुपए है ना, दो रुपए मिल रहा। अब इससे पूछा समय, समय बराबर ब्याज इंटू 100, मूलधन एक रुपए है और दर कितनी आपकी 4% है, तो चार से काटा, चार दूनी आठ, चार पंच बीस, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 50 वर्ष, 50 वर्ष में वो आपका चार गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 50 वर्ष में। अगला है देखिए, कोई धन 20 वर्ष में दो गुना तो कितने वर्ष में आठ गुना हो जाएगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन चल रहा है। तीसरा दो क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष में तीन गुना, देखो दो बार गुना हो तो एन वन माइनस वन अपॉन एन टू माइनस वन, टी वन अपॉन टी टू, टी टू एन वन पहली बार गुना दो गुना तो दो माइनस एक, तीसरा आठ गुना, आठ माइनस एक बराबर पहला समय कितना है 20 वर्ष है बटा टी टू, इसे ज्ञात करना अपने, दो में से एक गया तो एक बचा, आठ में से एक गया तो सात बचे, तो टी टू बराबर 20 सात है 140 वर्ष, 140 वर्ष में वो चौदह 140 वर्ष होगा, 140 वर्ष में वो आठ गुना हो जाएगा। अगला है 20 के लिए क्रय मूल्य, 25 के लिए विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बीस केले, देखो बीस केले का क्रय बराबर 25 केले के विक्रय है ना, तो
तो अब ध्यान रखना जो विक्रय है उसको क्रय बनाना, सीपी कास्ट प्राइस कितनी होगी 25, जो क्रय इसको विक्रय बनाएंगे, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 20, अब 25 में खरीदा और 20 में बेचा है ना, 25 में खरीदा और 20 में बेचा तो 5 रुपए का नुकसान हुआ, यानी कि हानि, तो 5/25 100/8 25 100 5 × 20 20% की हानि हो गई, हानि कितनी हुई उसको 20% की हानि हो गई, 20% की उसको हानि हो गई, 20% की उसको हानि होगी। आयोग की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1800 क्रय मूल्य 2100 विक्रय मूल्य बराबर है तो लाभानि ज्ञात कीजिए, वही वाला क्वेश्चन। 18 का क्रय और 21 का विक्रय है ना, तो हमने आपको बताया कि जो विक्रय इसको क्रय बनाना और क्रय वाले को विक्रय बनाना है ना, तो सीपी यानी कि कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, बेचने की कीमत कितनी हो जाएगी 18 रुपए हो जाएगी, अब 21 में खरीदा 18 में बेचा तो 3 रुपए का नुकसान हुआ, हानि परसेंट बराबर 3/21 × 100/1 3 × 7 = 21 7 का भाग लगाएंगे तो 7 × 1 = 7 0 7 × 4 = 28 14 × 6 = 28 14 × 6 = 2/7 14 × 6 = 2/7% अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 अंक काटा जाता है। राम ने 75 प्रश्न सही किए तो उसे 125 अंक मिलते हैं, तो कितने प्रश्न सही किए उसने, अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 100 है दो संख्याओं का योग 100 है अंतर 37 है तो संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा, देखिए योग योग मतलब a प्लस बी बराबर 100 और a माइनस बी बराबर कितना आ रहा 37, तो वर्गों का अंतर कितना होगा, वर्ग मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का मान कितना है 100 और 37 3700, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा 3700, अगला क्वेश्चन। एक बाग में हिरण मोर और हिरण चल रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ मोर और हिरण चल रहे हैं, देखो मोर और हिरण, अब सिर तो दोनों के एक ही होता है लेकिन पैर मोर के 2 पैर होते हैं और हिरण के 4 पैर होते हैं, ये ध्यान रखना, इसकी संख्या 1 से इसकी संख्या y, ठीक है, अब अपन सिर से बात कर लेते हैं तो इसका क्या होगा x होगा इसका y होगा और सिर कितने दे रखे उसने, सिरों की संख्या 100 दे रखी, कुल जानवर कितने अपने पास 100 है, ठीक है, अब पैर की बात करेंगे 250
तो पेयर इसके दो पेयर होते हैं तो दो एक्स आएगा, इसके चार पेयर होते हैं तो चार वाई आएगा और 250 आएगा। हिरण की संख्या पूछी उसने, हिरण की संख्या पूछी है, अब ध्यान रखना ये पूछे तो इसको गायब करेंगे और ये पूछे तो इसको गायब करेंगे, ठीक है ध्यान रखना। तो ये तो पूछा है इसको गायब करेंगे, तो इसमें कितना दो का गुणा है, तो यहाँ दो का गुणा ऊपर भी कर देंगे, तो दो का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, तो दो का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। तो ये गायब हो गया, दो एक्स गायब हो गया, अब चार वाई में दो आएगा तो कितना बचा, दो वाई बचा, ये माइनस रहेगा और 250 में से 200 गए तो कितना बचा, माइनस के 50 और माइनस माइनस कैंसिल, दो से गए तो 25। तो हिरण की संख्या कितनी आ गई, 25। आई होप कि समझ आ गया, हिरण की संख्या कितनी आ गई, 25। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल सब्सक्राइब करना भूले, थैंक यू।